देश भर में लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल के नियम का पालन करवाने की पुलिस हर तरह की कोशिश कर रही है, तो वहीं भागलपुर में कोरोना के नियमों का पालन करवाने के लिए एएसपी अलग अंदाज में दिखाई दिए। दरअसल एएसपी सड़क पर लॉकडाउन का कैसे पालन कराया जा रहा है इसका जायजा लेने निकले थे। इस दौरान वह सिविल ड्रेस में थे, जिस वजह से कई पुलिसकर्मी उन्हें पहचान नहीं पाए। ऐसे में एएसपी ने पुलिसकर्मियों की लापरवाही देख उन्हें कड़ी फटकार लगाई ही, साथ में एक जगह पर एसपी पूरन झा को पिस्टल भी लहराना पड़ा। दरअसल वैश्विक महामारी के चलते प्रदेश में लगाए गए लॉकडाउन का पालन भली प्रकार चल रहा है या नहीं इसका जायजा लेने सड़क पर सिविल ड्रेस में अपने सहयोगी के साथ मोटरसाइकिल पर सवार एएसपी ने कई खामियां देखी। रास्ते में जहां भी पुलिसकर्मी और लॉकडाउन का उल्लंघन होते दिखा वहीं उन्होंने ग्लास लगा डाली। भागलपुर के मनाली चौक पर कुछ पुलिसकर्मी आराम फरमा रहे थे, जिसे देखते ही एएसपी पूरन झा का पारा चढ़ गया। उन्होंने मौके पर मौजूद पुलिस बल के जवानों को जमकर फटकार लगाई, उन्हें अपना कर्तव्य बोध कराया। उसके बाद आईपीएस अधिकारी भागलपुर शहरी क्षेत्र के अलग अलग मोहल्लों में लॉकडाउन की स्थिति जानने के लिए पहुंचे। इस बीच बरारी थाना क्षेत्र के मायागंज मोहल्ला पहुंचने पर जब सिटी एएसपी ने मोहल्ले में हुड़दंग मचा रहे युवाओं को कोविड-19 के प्रोटोकॉल को समझाने का प्रयास किया, तो कुछ युवा सिविल ड्रेस में पहुंचे आईपीएस पदाधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश करने लगे। इसके बाद पूरन झा को हाथ में पिस्टल निकाल कर लहराना पड़ा।